तो दोस्तों मान लीजिए कि आपका कांटेक्ट आपके फ़ोन से डिलीट हो जाता है, उसके बाद आप क्या करते हो? आप उसे रिकवर करने के लिए तरह तरह के ऐप डाउनलोड करते हो और वो रिकवर नहीं हो पाता प्रॉपरली, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं गूगल डैशबोर्ड के एक सीक्रेट ट्रिक के बारे में, जहाँ से आप अपने सारे कॉन्टैक्ट वापस ले सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सा ट्रिक है और गूगल डैशबोर्ड क्या होता है, कैसे उसे इस्तेमाल करते हैं और अपने कॉन्टैक्ट को वहाँ से रिकवर कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं आपके सामने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूं और अपना गूगल आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको यहां पर सिंपली टाइप करना है गूगल डैशबोर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गूगल डैशबोर्ड आपके सामने लिखता हूँ। गूगल डैशबोर्ड लिखने के बाद आपको सिंपली इसे सर्च कर देना। सर्च करने के बाद जो पहला ऑप्शन आता है गूगल डैशबोर्ड का, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका गूगल डैशबोर्ड यहाँ पे खुल जाता है, ठीक है। हालांकि मैं आपको मोबाइल वर्जन में दिखा रहा हूँ, आप इसे डेस्कटॉप वर्जन में भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं वो भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप डेस्कटॉप वर्जन कर लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको दिखता होगा फोटोज़, गूगल प्ले, जीमेल, ड्राइव, तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी दिखेंगे। मैं आपको थोड़ा नीचे ले चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट दिख रहा होगा, तो मैं इसे मार्क करके आपको दिखा दूं। ये वाला कॉन्टैक्ट का कैटेगरी है, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट खुल जाएंगे। जो भी कॉन्टैक्ट आपके फोन में यहाँ पे सेव होंगे ना, वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और यहाँ से आप सारे कॉन्टैक्ट को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक अपना कोई भी कॉन्टैक्ट लेता हूँ। कॉन्टैक्ट लेने के बाद जैसे ये कॉन्टैक्ट है, इसको मैं हाइड यहाँ पे सॉरी नंबर हाइड करके रखा है, आप बुरा मत मानना, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे यहाँ से रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, प्रिंट करने का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ से नंबर मैं वहाँ पर सेव भी कर सकता हूँ। तो आप टोटल बात समझ गए होंगे कि कैसे आपको अपना कॉन्टैक्ट यहाँ से वापस लेना है। तो गूगल डैशबोर्ड के बारे में अगर आपको प्रॉपरली पूरा जानकारी चाहिए ना, सब कुछ चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। आप चाहेंगे तो मैं आपको और भी डिटेल में समझा सकता हूँ, उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा। आप बस मुझे कमेंट कर देना कि आपको वीडियो चाहिए इसके बारे में, ठीक है। आप यहाँ पर एक बात और बता दूँ, यहाँ पे आपको एक लोकेशन वाला दिख रहा होगा, ये वाला लोकेशन वाला जो कैटेगरी है, इसमें आपको क्या होता है ना, आप जहाँ भी विजिट करते हो, आप दिन भर में जहाँ भी जाते हो, तो आपका जीपीएस ऑन रहता है। जीपीएस ऑन रहने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपका सेव होते जाते कि कहाँ कहाँ आप विजिट कर रहे हो, तो आप यहाँ से उसकी भी हिस्ट्री निकाल सकते। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय।